हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल जेटू सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 8 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से एक्स और कहीं वाई है, ठीक है, और कहीं जेड है, उन सभी का वैल्यू निकालना है। ठीक है तो बच्चों, ठीक है तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्या करना है, इसके अपॉन वन मान लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा, 8x-3 इक्वल टू, इसका इसमें इंटू करेंगे कितना आएगा, 6x। आप x को एक साइड रखेंगे और नंबर को एक का एक साइड, तो 8x इसको इस पर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, 6x इक्वल टू, ये नंबर है तो उस पर जाएगा क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू क्या आएगा, 3। तो यहाँ से x के वैल्यू क्या आएगा, 3/2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इसके अपॉन भी वन मान का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसका इसमें इंटू कितना आएगा, 9x इक्वल टू, इसका 7 का 15 में इंटू करेंगे कितना आएगा, 105, माइनस इसका इसमें करेंगे कितना आएगा, 90x। तो क्या करना है, x को एक साइड रखना है तो कितना आया था, 9x, ये माइनस इस पर आएगा प्लस, 90x इक्वल टू 105, इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आएगा, 99x इक्वल टू 105। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 105/99। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है, तो क्या आएगा, 3 3 9 3 5 15, 3 से इसको काटेंगे 33 बार में, तो x के वैल्यू कितना आएगी, 35/33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 3। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें इंटू और इन दोनों का इसमें इंटू। ठीक है, तो पहले इसका इसमें इंटू करते हैं, तो 3 5 15 वाई प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे कितना आएगा, 20 इक्वल टू, अब इसका इसमें करेंगे, 2 2 जा 4, लेकिन माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 6 2 जा 12 वाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, वाई को एक साइड रखेंगे, तो 15y इक्वल टू इस पर आएगा तो -12y इक्वल टू क्या है, -4 है, ये प्लस उस पर आएगा तो -20। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 3y इक्वल टू, ये दोनों दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, -24। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा, -24/3। तो यहाँ से y इक्वल टू कितने बार में कटेगा, -8। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब 4। तो सभी बच्चे जो क्वेश्चन नंबर अभी 3 किए थे इसको सुधार लेना बाबू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम वही फंडा है। ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे कितना आएगा सॉल्यूशन में, 9z आएगा इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 4z, फिर प्लस 15 4 जा 60। तो यहाँ देखो, 9z, z को एक साइड कर रखो, इसको इस पर लाएंगे तो 4z इक्वल टू कितना आएगा, 60। इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 5z इक्वल टू 60। तो z इक्वल टू क्या आएगा, 60, ये इंटू होता तो उसके साथ कहाँ चला जाता है, डिवाइड। तो z इक्वल टू कितने बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा ना। ओके, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 3, ध्यान रखना बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले ही कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सेम उसी तरह करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका एसमेन टू, इसका एसमेन टू। ठीक है, तो पहले इसका एसमेन टू करेंगे तो कितना आएगा, 21y 3 4 जा 12 इक्वल टू, -4 का y में करेंगे तो -4y माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 4 2 जा 8। अब y को एक साथ रखो, 21y ये माइनस है, इस पर आएगा तो क्या आएगा, 4y इक्वल टू क्या है, -8 है, ये देखो उस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 12। अब दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, 25y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं कितना आएगा, -20। ओके, तो इक्वल टू -20 ये कहाँ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो y इक्वल टू 5 से काट दो, 5 4 जा 5 5 जा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आएगी, -4/5।
5। ठीक है, तो सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल जे टू सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।